विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का भव्य शौर्य संचलन व त्रिशूल दिशा आयोजन गुरुवार को आयोजित किया गया। आयोजन स्थानीय दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें विभाग मंत्री अनुपाल सिंह झाला, शिव शक्ति मठ के महंत भस्करानंद गिरी महाराज, प्रांत के अर्चक पुरोहित निर्मल देवी नरेला ने अपने अपने उद्बोधन दिए। वहीं मंच पर जिला अध्यक्ष मनीष सुराना, नगर अध्यक्ष संजय यादव भी उपस्थित थे। उद्बोधन के बाद कार्यक्रम स्थल से विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के दल पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में हाथों में भगवा ध्वज लिए शौर्य संचलन निकाला गया। यह शौर्य संचलन दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा चौराहे से होता हुआ विजय टाकी चौराहा, टेगोर मार्ग, कमल चौक, फाना चौक, बारादरी नया बाजार, घंटाघर, तिलक मार्ग, पुस्तक बाजार से दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल पहुंचा, जहां शौर्य संचलन का समापन किया गया। विभाग मंत्री अनुपलाल सिंह झाला ने जानकारी देते हुए बताया कि 1992 में गीता जयंती के दिन बावड़ी ढांचा गिराया गया था, उसी के उपलक्ष्य में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रतिवर्ष शौर्य संचलन निकाला जाता है और शौर्य यात्रा की जाती है, उसी उपलक्ष्य में आज शौर्य संचलन का आयोजन किया गया है। निर्मल देव नरेला ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे भारत में हिंदुओं का शौर्य नजर आए, इसलिए दिसंबर के इस महीने में इस प्रकार की शौर्य यात्रा पूरी भारत में निकाली जाती है। नीमच जिले में यह 3 खंड में आयोजित किया जाता है। प्रथम खंड में जीरन क्षेत्र में शौर्य यात्रा निकल चुकी है, द्वितीय खंड में नीमच में और तृतीय खंड में 25 दिसंबर को मनासा में निकलेगी। वही कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं में लव जिहाद, हिंदुत्व की रक्षा के लिए और ओजस्वी मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उद्बोधन के दौरान निर्मल नरेला ने पुलिस विभाग के नारकोटिक्स विंग के 2 अधिकारी राव खान एवं जावेद खान पर भी लव जिहाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से उन्हें पद से बर्खास्त करने और कार्रवाई करने की मांग मंच से की है। आज बजरंग दल का शौर्य संचलन है नीमच प्रखंड का। पूरे भारत वर्ष में शौर्य संचलन दिसंबर माह में निकलते हैं, उसी कड़ी में नीमच प्रखंड का आज निकला है। जीरन का 2 दिन पहले निकल गया और परसों 25 दिसंबर को मनासा प्रखंड का शौर्य संचलन है। नीमच जिले में 3 शौर्य संचलन की योजना है, उसमें उस कड़ी में नीमच का शौर्य संचलन बजरंग दल का निकला। आज यहाँ नीमच दशहरा मैदान टाउन हॉल से शुरुआत हुई, जो पूरे शहर के प्रमुख मार्गों से निकली और वापस यहीं दशहरा मैदान में इसका समापन हुआ है। इसमें पूरे नीमच जिले के दायित्वान, प्रखंड के दायित्वान और नगर के दायित्वान और आम कार्यकर्ता हिंदू समाज एकत्रित था। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।